हेलो आज हम तो दिस साइड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन देयर इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड टू लॉज ऑफ मेंडल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड वन रिमेनिंग लॉ ऑफ मेंडल दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं दैट इज़ ट्रिक अ काइंड ऑफ ट्रिक दैट विल हेल्प यू अ वे हेल्प यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स अजर्शन एंड रीजन्स इन नीट एग्जामिनेशन पहला फॉमूला अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो उसका एन क्या होगा वन सिंपल मोनो मतलब वन डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो उसका एन क्या होगा टू ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का थ्री ठीक है टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है तो फोर लेकिन उतना तक हम लोग जाते नहीं हैं हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एन कितना रहता है वन एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में टू अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी क्रॉस में कितने टाइप ऑफ गैमिट बनेंगे तो टाइप ऑफ गैमिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पॉसिबल फिनोटाइप्स मतलब जितने तरह के गैमिट्स बनेंगे उतने ही पॉसिबल तरह के फिनोटाइप्स भी होंगे जैसे कि और इसका फॉर्मूला क्या है टू स्टूपार एन अब इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं लेकर चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने समझ ही लिया है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में एन क्या होना चाहिए वन इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टाइप ऑफ गैमिट्स कितने तरह के गैमिट्स बनने चाहिए दो कितने पॉसिबल फिनोटाइप्स हमारे सामने आने चाहिए दो देखते हैं कितने तरह के गैमिट्स बने हैं हमारे पास एक दो हर जगह अगर आप देखो कितने तरह के गैमिट्स बने है? दो दो ही गैमिट्स बन रहे हैं अच्छा फिनोटाइप्स कितने सामने आते हैं मेरे पास दो ही फिनोटाइप आए हैं टॉल और टाफ हैंस प्रूफ कि टाइप ऑफ गैमिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ फिनोटाइप दैट अगर वो फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला क्या है टू स्टूप आर एन अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ जीनो होंगे जीनो कितने होंगे तो फार्मूला है थ्री टू आर एन ठीक है फॉर्मूला है थ्री इज टू पार एन और एन क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में वन हमने पहले ही डिस्कस किया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में अगर वन है एन दैट इज़ नंबर ऑफ जीनो कितना आता है तीन देखें जरा नंबर ऑफ जीनो कितना है थ्री राइट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी टी स्मॉल टी ओके नंबर ऑफ बॉक्सेस इन प्यूनिट स्क्वायर ज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफरिंग्स कितने ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे और कितने नंबर ऑफ बॉक्सिंग बॉक्सेज होंगे प्यूनिट स्क्वायर में इसको पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है फोर स्टूपार एन अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फार्मूला एन इज इक्वल टू वन तो टोटल तो कितने बॉक्सेज होंगे हमारे पास फोर हमने देख ही लिया ये तो ठीक है तो ये फार्मूले हैं बेसिकली तीन फार्मूले हैं ये अगर आप याद रखें टू स्टूपार एन थ्री स्टूपार एन एंड फोर स्टूपार एन तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड और ईजी हो जाएंगी ठीक है ना विल गो ऑन फर्दर टू डिस्कस अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स या दो ट्रेड्स लेकर चल रहे हैं ठीक है इसीलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे कि एक ट्रेड मैंने लिया है राउंड एंड येलो ठीक मतलब पी प्लांट ही है लेकिन इसका जो सीड कलर है वो कैसा है लो एंड ग्रीन और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर सीड कलर येलो है सीड कलर येलो है इसका मतलब डोमिनट सीड कलर रसेसिव है इसका मतलब ग्रीन राइट सीड कलर येलो है तो डोमिनट ग्रीन है तो रसेसिव राउंड डोमिनेट रिंकल्ड रसेसिव वही यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं ठीक है राउंड येलो डोमिनेंट डोमिनेंट इसलिए हमने कैपिटल कैपिटल लिखा है रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल स्मॉल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रिंकल्ड भी रसेसिव है और ग्रीन भी रसेसिव है अब बनाते हैं इसके गैमिट्स क्या पॉसिबल गैमिट्स हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई यही बन सकता है हाँ क्यों अब देखते हैं कितने पॉसिबल गैमिट बन सकते हैं ये पता लगाना ज़रूरी है कितने नंबर ऑफ गैमिट्स बन सकते हैं कितने तरह के गैमिट्स बन सकते हैं तो क्योंकि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो एन इजल टू 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 की पावर टू दैट इज़ फोर फोर पॉसिबल गैमिट बन सकते हैं लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर एक ही है क्योंकि चारों के चारों गैमिट्स सेम नहीं होंगे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई तो चार बार मेहनत करने की ज़रूरत है क्या नहीं ठीक है सेम यहाँ पर भी ठीक है यही गैमिट्स हो सकते हैं ओके जब मैं इसको क्रॉस कराता हूँ तो मेरे सामने क्या आ जाता है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ठीक है दैट इज राउंड येलो फिनोटाइप शो कर रहा है नेक्स्ट जब मैं इसकी सेल्फिंग कराता हूँ तो मेरे सामने क्या आते हैं चार तरह के पॉसिबल गैमीट्स सामने आते हैं अब देखो आ रहे हैं चार अब मैंने चार क्यों लिखा है अब मैंने चार इसलिए लिखा है क्योंकि ये चारों चारों अलग आ रहे हैं देखो अब ये चारों अलग कैसे आ रहे हैं क्योंकि कैपिटल आर कैप देख ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे देखते हैं इसको कैपिटल आर ठीक कैपिटल आर कैन असॉर्ट विद कैपिटल वाई ठीक कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैन असॉर्ट विद स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैन असॉर्ट विद स्मॉल Y, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई इस तरह से चार पॉसिबिलिटीज हैं गैमीट बनने की और चार फिनोटाइप इस तरह से सामने आते हैं ठीक वो हम देखेंगे चार फिनोटाइप्स कैसे बनेंगे लेकिन ये तो समझ आ गया कि चार टाइप ऑफ गैमीट बन रहे हैं यहाँ पर ठीक अब पिनट स्क्वायर बनाकर देखते हैं ध्यान से पिनट स्क्वायर में करते क्या हैं एक के गैमीट क्योंकि दोनों ही सेम है तो दोनों ही पॉसिबल गैमीट सेम ही होंगे तो एक पेरेंट के गैमिट इस तरफ और एक पेरेंट के गैमिट इस तरफ ठीक एक पेरेंट के गेमिट इस तरफ और एक पेरेंट के गैमिट इस तरफ ऐसे ही रखते हैं अब समझो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इसी तरह से जब हम क्रॉस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर का क्या मतलब है इट इज़ राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्या मतलब है इट इज़ येलो ऐसे ही जितने भी आपको इन बॉक्सेज में दिख रहे हैं इन बॉक्सेज मतलब ब्लू बॉक्सेज में दिख रहे हैं ये सब क्या है राउंड येलो हैं और अगर मैं काउंट करूँ कितने राउंड येलो हैं तो नाइन राउंड येलो हैं फिर मैं काउंट करता हूँ ये देखो राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन तो कितने राउंड ग्रीन है तीन राउंड ग्रीन है ठीक है फिर मैं काउंट करता हूँ रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो तीन रिंकल्ड येलो हैं और एक क्या आ जाता है रिंकल्ड ग्रीन ठीक और फिनिट फिनोटिपिक रेशियो इसी तरह से मेरा क्या बन रहा है नाइन इस टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन और कितने पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं फोर ये मुझे पहले ही पता चल गया था यूजिंग द फॉर्मूला अगर मैं ध्यान देखूँ नंबर ऑफ़ पॉसिबल फिनोटाइप दैट इज़ फोर क्यों क्योंकि टू इज टू पार्ट टू ठीक है नंबर ऑफ़ जीनोटाइप्स कितने होंगे अब जीनो टाइप्स अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो इट इज़ नॉट नेसेसरी वो नाइन होंगे ठीक है कितने पॉसिबल नंबर ऑफ पिनट स्क्वायर बनेंगे देखो सिक्सटीन बन रहे हैं क्यों क्योंकि फोर स्टिप आर एन और कितने नंबर ऑफ ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगे दैट इज़ सिक्सटीन तो ये फार्मूला मुझे पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि क्या क्या होने वाला है तो फॉमूले की मदद से आप ईज़ी कर सकते हैं कोई भी क्रॉस ठीक है और इन मिनिमल टाइम यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन नीट एग्ज़ाम ओके okay. तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस तो ठीक है भैया लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें बताता क्या है आपने बोला था ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या करता है मुझे हेल्प करता है समझने में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट कैसे चलो देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट पहले तो मैं ये बता दूँ ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है इसमें भी एक्सेप्शन है एक ही यूनिवर्सल लॉ है जो मैंडल ने दिया था विच वॉज राइट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कह सकते हैं जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है लेकिन मैं बात करूँ इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट की तो इसका एक्सेप्शन है ठीक है और इसको मैंने जैसे पहले भी कहा इट कैन ओनली बी डिस्क्राइब विद दी हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस ओके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट बोलता क्या है ये बोलता है कि ये जो गैमीट्स हैं जैसा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा था कि एक गैमीट के पास तो एक ही फैक्टर आ सकता है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्योंकि ये सेपरेट हो जाते हैं वैसे ही यहाँ पर समझो इट स्टेट्स दैट इन द इनहेरिटेंस जब इनहेरिटेंस होता है दो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पहले ही बोल दिया है, जब दो पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब इनहेरिटेंस होता है द फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेयर ऑफ अदर पेयर ऑफ़ करेक्टर्स ईजीली सेपरेट हो जाते हैं जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर मुझे दिखता है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है तो ये कैरेक्टर है किसके लिए ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं दैट इज़ फॉर सीड कलर और ये क्या है सीड शेप ये इज़ीली असॉर्ट कर सकता है कैपिटल वाई से कैपिटल आर कैन इज़ीली असॉर्ट विद कैपिटल वाई कैपिटल आर कैन इज़ीली असॉर्ट विद स्मॉल वाई स्मॉल आर कैन असॉर्ट विद कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैन असॉर्ट विद स्मॉल वाई कोई यहां पर कोई रूल है कि ऐसा नहीं हो सकता है नहीं तो दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक है एनी वन कैन असॉर्ट विद एनी वन बट अब आप मुझे बोलो कि भैया इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो कैपिटल आर स्मॉल आर से असॉर्ट कर सकता है क्या नहीं कैपिटल आर स्मॉल आर से असॉर्ट नहीं कर सकता है क्यों क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी तो है समझ रहे हो कि भाई एक कैरेक्टर वाला एक कॉन् एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला एक ही एक ही जीन आएगा इस गैमिट के पास दोनों थोड़ी आ सकते हैं ये तो बोथ आर शोइंग व्हाट राउंड राउंड एंड रिंकल्ड बोथ आर शूइंग व्हाट सीड शेप सीड शेप वाले दोनों कैरेक्टर्स उठकर सीड शेप वाले दोनों कैरेक्टर्स उठकर इस गैमीट के पास नहीं आ सकते हैं समझ रहे हो या तो राउंड आएगा या येलो आएगा लेकिन अब इसमें इंडिपेंडेंट है कि या राउंड भी आ सकता है येलो भी आ सकता है और वहीं ठीक है राउंड भी येलो आ सकता राउंड भी आ सकता है येलो भी आ सकता है राउंड भी आ सकता है और इसके साथ में ग्रीन भी आ सकता है समझ रहे हो लेकिन दोनों राउंड और रिंकल्ड नहीं आ सकते ठीक है कोई एक ही आएगा ये बताता है हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट यही बोल रहा है यहाँ पर भी इट स्टेट्स दैट इन द इनहेरिटेंस ऑफ द टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स द फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ध्यान से समझो सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट ठीक है नहीं समझ आया तो दोबारा दो बार तीन बार देखो आपको समझ आने लगेगा ठीक है नेक्स्ट हम और भी कोई क्रॉस होते हैं क्या डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अलावा हाँ बिल्कुल एक ईजी से क्रॉस है इन पर ज़रा ध्यान देते हैं कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं कि भाई एक क्रॉस है बैक क्रॉस बैक क्रॉस का क्या मतलब है यहाँ पर बैक क्रॉस का मतलब है जब आप F1 हाइब्रिड को क्रॉस करा दो किसके साथ में पेरेंट के साथ में इसको बोलते हैं बैक क्रॉस उल्टा हो गया ना हम लोग F1 का क्या करते हैं F1 को सेल्फिंग करा देते हैं या आगे किसी जनरेशन से क्रॉस करा रहे हैं मैं ये क्या कर रहा हूँ ये जो F1 वन में आया ये आया F1, इसी को क्रॉस करा दूँ इन से पेरेंट से तो इसे बोला जाएगा बैक क्रॉस ठीक है अच्छा ठीक है ये बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं बोल रहे हैं आगे ये बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस अगर मैं F1 हाइब्रिड को करा तो पेरेंट सही रहा हूँ लेकिन अगर F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट वाले पेरेंट से क्रॉस करा दूँ जैसे इस केस में ये देखो अगर ये तो F1 जनरेशन है इसको अगर डोमिनेंट वाले से क्रॉस करा दूँ तो इसे मैं क्या बोलूँगा आउट क्रॉस ठीक है वहीं अगर मैं इसे क्रॉस करा देता हूँ रेसेसिव से होमोजाइगस जाएगा रेसेसिव से तो इसे बोलूँगा टेस्ट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देखो क्या बोला बैक क्रॉस का मतलब है एफ़ हाइब्रिड को अगर मैं क्रॉस करा दूँ पेरेंट प्लांट से तो उसे बोला जाएगा बैक क्रॉस आउट क्रॉस का मतलब है अगर एफ़ हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट के साथ में करेक्ट क्रॉस कराओ टेस्ट क्रॉस का मतलब है अगर आप एफ़ हाइब्रिड को होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करा दो पेरेंट ऑब्वियसली ठीक है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस करा दो तो उसे आप क्या बोलोगे टेस्ट क्रॉस ये हेल्प करता है टू फाइंड द जीनो टाइप ऑफ एफ वन हाइब्रिड एफ़ वन हाइब्रिड का जीनो टाइप क्या था ये पता लगाने में मुझे हेल्प करता है टेस्ट क्रॉस इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो हमें पता ही है कि एक क्या रहेगा होमोजाइगस रेसेसिव दूसरा हमें नहीं पता कि वो होमोजाइगस uh, होमोजाइगस्टॉल है या हाइट्रोजाइगस्टॉल है या होमोजाइगस रेसेसिव वाला है ठीक है तो ये पता लगाने के लिए मुझे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है ये रेशियो दिया रहता है ठीक है तो अब देखो मान लो हम तीनों पॉसिबल ले इसके चौथा पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता ना ये तीन ही पॉसिबल चांसेस हैं ठीक है थीके? या तो होमोजाइगस होमोजाइगस्टॉल होगा या हाइट्रोजाइगस होगा या फिर होमोजाइगस रेसेसिव होगा राइट तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैंने सबसे पहले क्या लिया होमोजाइगस स्टॉल और उसका पिनट स्क्वायर बना दिया यहाँ पर क्या आते हैं मेरे पास चार टॉल आते हैं फिनोटिपिक स्ट्रक्चर चार टॉल आते हैं और ड्वाफ एक भी नहीं आता है और रेशियो बनता है फोर इस टू ज़ीरो नेक्स्ट मैं लेता हूँ हेट्रोजाइगस तो एक टॉल आता है दो टॉल आते हैं और दो क्या आ जाते हैं डॉफ ठीक है दो टॉल और दो डॉफ़ रेशियो वन इस टू वन का बनता है हेट्रोजाइगस केस में वहीं होमोजाइगस अगर एफ़ वन हाइब्रिड है तो क्या बनेगा एक भी टॉल नहीं आएगा सारे क्या आएंगे डवाफ और रेशियो बनेगा जीरो इस टू फोर तो अगर मुझे क्वेश्चन दे दे कि भाई रेशियो क्या है फोर इस टू ज़ीरो है एफ़ वन हाइब्रिड बताओ तो मैं इजीली बता सकता हूँ टेस्ट क्रॉस की मदद से कि हाँ जो एफ़ वन हाइब्रिड है वो क्या है होमोजाइगस होमोजाइगस टॉल एंड जीनो टाइप्स आर कैपिटल टी कैपिटल टी अगर वन इस टू वन है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस और वहीं अगर जीरो इस टू फोर है तो स्मॉल टी स्मॉल टी ठीक है इसी तरह से हम लोगों ने समझा बैक क्रॉस आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आई होप आप लोगों को समझ आया हो बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर राधे राधे